नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और पलीते की कमर। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पलीते की कमर। पलीते को बस एक ही काम था, सोना सोना और सोना। अरे कभी उठोगे भी या सारी उम्र यूं ही चरपाई तोड़ते रहोगे? अरे ये क्या, मेरी कमर कमान जैसी टेढ़ी हो गई? जब दिन रात इस बिना किसी चरपाई पर पड़े रहोगे तो और क्या होगा? मैं हकीम जमाल गोटा के पास जाता हूँ, शायद उसके पास कमर को सीधा करने का कोई इलाज हो। बरखुरदार, मैं कमर का दर्द दूर करता हूँ, ना कि टेढ़ी कमर को सीधा। तो क्या अब मैं सारी उम्र कमान जैसी टेढ़ी कमर लिए फिरता रहूँगा? चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए, उनके पास कमर को सीधी करने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर होगा। अरे पलीते कुछ दिन पहले तक तो तू कुतुब मीनार की तरह सीधा था, एकाएक तेरी कमर को क्या हो गया? चाचा जी, मुझे उम्मीद है आपके पास टेढ़ी कमर को सीधा करने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर है। साबू इधर आओ। अगर तुम एक हाथ पलीते की कमर पर मार दो तो इसकी कमर सीधी हो सकती है, मैं भी यही समझता हूँ। और साबू अपना हाथ हवा में ऊपर उठाता है और पलीते की कमर पर अपना एक जोरदार हाथ मारता है, तड़ाक। साबू, तुमने हाथ कुछ ज़्यादा जोर से मार दिया है और पलीते की कमर और टेढ़ी होती चली गई। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है एशियाई खेल। चाचा जी, एशियाई खेलों में क्या आप अपना कोई खिलाड़ी ला रहे हैं? बिल्कुल, कहाँ है वो? ये रहा। साबू, सबसे पहले जिम्नास्टिक होगी, ठीक है? कड़ाक, चलो तुम गोताखोरी प्रतियोगिता में भाग ले लो। और साबू गोताखोरी करने के लिए ऊपर से सीधे स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है। छपाक, सारे तालाब का पानी खाली कर दिया, चलो अगली बॉक्सिंग प्रतियोगिता है। भाई क्यों थके जा रहे हो, बॉक्सिंग कैसी होती है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तड़ाक तड़ाक तड़ाक, तुम्हारा विरोधी कहाँ जाकर गिरा होगा, जहाँ उसे गिरना चाहिए, अस्पताल में। साबू, यहाँ पहले नंबर पर आकर अपना गोल्ड मेडल स्वीकार करो। अभी आया और पहले नंबर पर आते ही वो स्टेज जो है टूट जाती है। कड़ाक, हमें बख्शो, जाओ यहाँ से, ताकि हम दूसरे खेल ठीक ठाक कर सकें। साबू, आओ घर चलें। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भूत का भविष्य। अरे तुम्हारे चचा जान तुमसे मिलना चाहते हैं। चचा जान कहाँ? ऊपर बैठे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सचमुच मुझे चचा जान से मिले बहुत दिन हो गए हैं, देखूं वो कैसे हैं। और वो भूत के डर से सीधा ऊपर से गिर पड़ता है, धड़ाम। भूत भूत, वो अपना संदूक भी यहाँ छोड़ गया, काफी कपड़े हैं, काम आएंगे। साबू, समाज कल्याण सोसाइटी ने मेरे पास 50,000 रुपये रखे थे, आओ इन्हें बैंक में जमा करा आएं। चाचा चौधरी आ रहा है, इसके पास खूब माल होगा। चौधरी, तुम्हारे चचा जान ऊपर बैठे हैं, तुम्हें याद फरमा रहे हैं। मेरे चचा जान? उनको मरे तो एक अरसा हो गया है, तो फिर ताऊ जान होंगे। ताऊ जान? जरूर कुछ गड़बड़ घोटाला है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ठीक है, तुम कहते हो तो उनसे मुलाकात कर लेते हैं, पर यहाँ तो कोई नहीं है, ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मैंने उन्हें खुद ऊपर बैठे हुए देखा है। हैं? ताऊ जान कहाँ गायब हो गए? अरे भूत, जल्दी आ, शिकार आ गया है। भूत? ये भूत कहाँ से अटपका? तुम्हारा मतलब उससे तो नहीं जिसे साबू ने पकड़ रखा है? बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैं भूत नहीं जुम्मन हूँ, वो तो हमें पहले ही पता था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बम बाल। साबू, रॉकेट आओ, मैदान में जाकर फुटबॉल खेलेंगे।
मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी खेलूंगी फुटबॉल। फुटबॉल फुटबॉल को किक नहीं मार सकती। रॉकेट उसे पकड़ कर लाओ, और रॉकेट फुटबॉल को पकड़ने के लिए जाता है। मुगन, मैंने पावरफुल बम को सड़क के बीच दबा दिया है। मिनिस्टर की कार गुजरने वाली है, उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। पोटी, फिर जब हम अपने मुल्क लौटेंगे तो हीरो की तरह हमारा इस्तकबाल इस्तकबाल किया जाएगा। और रॉकेट वहाँ सड़क की खुदाई करने लगता है। मुगन, देखो वो कंबख्त कुत्ता वही जमीन खोद रहा है। पोटी, उसने हमारा बम निकाल लिया है। बेवकूफ़, अपने आप मरेगा। मगर मुगन, इस मुल्क में हमें मिनिस्टर को मारने भेजा है। एक आवारा कुत्ते का क्या महत्व है? उससे बम छीनो। ठहरो। और रॉकेट उस बम को ले जाकर सीधा चाचा चौधरी के सामने रख लेता है। ओह, तुम क्या उठा लाए? उसे हमारे हवाले करो, अगर ना दो तो हम तुम्हें दोजख में भेज देंगे। साबू, उनकी चीज उन्हें दे दो। लो, और वो हाथ में आते ही बम फट पड़ता है। कड़म, खेल जारी रहेगा। तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी की ट्रिक। घनघोर एंड कंपनी, ठाए ठाए, पकड़ो डाकू, 50,000 रुपये लूट ले गए। क्या हुआ मुंशी राम? चाचा जी, डाकू कंपनी का 50,000 ले गए हैं। मैं गरीब बर्बाद हो जाऊंगा। मैं कंपनी का खंचाजी हूँ, डाकू मुझसे पैसे छीन कर ले गए हैं। मेरी इतनी कम तनख्वाह है कि सारी उम्र में भी कंपनी का 50,000 रुपये नहीं चुका पाऊंगा। मुंशी राम, फिक्र मत कर, कंपनी का पैसा लौट आएगा। आओ सापू, देखें डाकू पैसा कहाँ ले गए हैं। उधर मजा आ गया, यह हमारी सबसे कामयाब डकैती रही। लेकिन मैंने चाचा चौधरी को पीछे आते देखा था। उसका रॉकेट सुनकर डाकुओं का पता लगा लेता है। तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर दो, इस झरोके से मैं उन्हें देखता हूँ। चाचा चौधरी, मुझे पता है कि तुम दीवार के पीछे छिपे हुए हो। अगर तुम सामने आए तो गोलियों से भून दूंगा। इमारत के पिछली तरफ, साबू इस दीवार को तोड़ दो। और साबू के एक शक्तिशाली वार के साथ ही दीवार टूट जाती है। कड़ाक हैं, चाचा चौधरी और साबू पीछे से आ गए हैं। पर जब चाचा चौधरी वहाँ सामने है तो दीवार तोड़कर पीछे से कैसे आ गया? वो मैंने तुम्हें चकमा देने के लिए चाल चली थी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चोरी रावण की। अरे कारीगर, रो क्यों रहे हो? रावण चोरी हो गया। रात को मैंने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ बनाकर खड़े किए थे। सवेरे उठकर देखा तो रावण गायब था। आओ पुलिस में रिपोर्ट करें। रावण चोरी हो गया, मैंने जेवर पैसे और कपड़े चोरी होते देखा है, पर रावण को कोई भी चुरा सकता है इसकी कल्पना भी ना की थी। 2-4 दिन में उसे ढूंढ निकालेंगे। जाओ इंस्पेक्टर साहब, आज दशहरा है, रात को उसे जलाना है। इतनी जल्दी अगर रावण को कोई ढूंढ सकता है तो सिर्फ एक आदमी है, चाचा चौधरी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मैं उनको टेलीफोन करता हूँ। ट्रिन, हेलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं समझ गया। साबू आओ, रावण चोरी हो गया है, उसे लाना है। वो जरूर किसी सुनसान जगह पर मिलेगा। उधर लटकू पटकू चोर। अरे पटकू, हमने रावण को क्यों चुराया? अरे लटकू, तू भी बेवकूफ़ ही रहा। अरे इस रावण के अंदर ढेर सारी आतिशबाजियाँ भरी है, हम रावण को तोड़कर सारी आतिशबाजियाँ निकाल लेंगे। दिवाली पर 4-5 हज़ार रुपये में बिक जाएंगी। लो सुनसान जगह आ गई, रावण को उतारो। तुम रावण को थामे रहो, मैं इसे कुल्हाड़ी से अभी तोड़ देता हूँ। साबू, वो रहा चोरी का रावण, कैसे पहचाना? लोग रावण को जलाते हैं, उसे तोड़ते हुए आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। लो मैं तुम्हारे लिए सोने के लंका से सोने का सिक्का लाया हूँ। वाह, सोने का सिक्का, बड़ा कीमती होगा। मर गए, बचाओ। पहले वादा करो कि दोबारा रावण नहीं चुराओगे। करते हैं। चलो साबू, इसे रामलीला मैदान में ले चलो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है क्रिकेट और हीरा। मागीराम, कैसे हो?
ठीक हो चाचा चौधरी, अंदर आइए, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये हीरा मैंने पन्ना फील्ड से पाया है, तुम्हारी गरीबी दूर हो गई। ये करोड़ों रुपए का है, इसे घर में रखना जोखिम से खाली नहीं, इसे बैंक में जमा करवा दो। मैं ऐसा ही करूँगा, चलता हूँ, मेरी शुभकामनाएं। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है, हीरा इधर दो। आज कीमती माल हाथ लगा है। ओह, उधर चाचा चौधरी, एक चोर मेरा हीरा लेकर भाग गया, मैं आ रहा हूँ। मांगीराम, फिक्र ना करो, हम उसे वापस लाएंगे। चोरी की कार के पहियों के निशान उधर जाते हैं। चोर के कार के पहियों के निशान उधर जाते हैं। इंस्पेक्टर, निशानों का पीछा करो। हीरा कहाँ है? मुझे कुछ पता नहीं। मुझे सारी तलाशी लेनी पड़ेगी, सब छानबीन करके देख लिया। कपड़े उतारो। कपड़े की तलाशी ली मगर कुछ नहीं मिला, हमें वापस चलना चाहिए। ठहरो इंस्पेक्टर, एक चोर के घर में बैट बॉल? क्यों, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने कहीं गोल बनाए हैं। और चाचा चौधरी को शक हो जाता है और वो बॉल उठाकर उसे हिलाने लगता है। हिलाने से अंदर कुछ बचता है, इसे काटना चाहिए। ये रहा वो हीरा। चलो पुलिस स्टेशन, क्रिकेट में गोल नहीं रन बनाए जाते हैं। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है डिस्कस थ्रो, एशियन खेलों के ट्रेनिंग का एक कैंप। देखना, हमारा पलट कुमार डिस्कस थ्रो में ज़रूर गोल्ड मेडल जीतेगा। नहीं पलट कुमार, ये काफ़ी दूर नहीं गई, एशियन खेलों के रिकॉर्ड से ये काफ़ी पीछे रह गया है। लो, वो साबू आ गया, वो तुम्हें बताएगा कि डिस्कस थ्रो कैसे फेंकी जाती है। साबू, जरा डिस्कस फेंक कर दिखाना। अभी लो। अरे रे, इसे नहीं, ये डिस्कस तुम्हारे लिए बहुत हल्की रहेगी। अगर तुमने इसे फेंका तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये दुनिया के किस हिस्से में जाकर गिरी। तुम्हें थोड़ी भारी डिस्कस चाहिए, ये मेन होल का कवर कैसा रहेगा? वाह। और साबू उस मेन होल के कवर को उठाता है, जय बजरंगबली, और उसे डिस्कस थ्रो की तरफ फेंकता है। वाह, वो तो आसमान में ऐसे जा रहा है जैसे कोई लड़ाकू जहाज। शहर में, मियाँ फिरोजी, मैंने तुम्हें साड़ियाँ रंगने को दी थी, क्या हुआ? अभी रंग घोला है, बस चुटकी बजाते ही सारी साड़ियाँ रंगी जाएगी। ये गई साड़ियाँ। और तभी रंगों से भरे बर्तन में सीधा आकर के वो गटर का मेन होल आकर गिरता है। छपाक। मियाँ फिरोजी रंगरेज। अरे फिरोजी मियाँ, इधर कहीं हमारी डिस्कस तो नहीं देखी? तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दिवाली का धड़ाका। क्यों पलीते, आज बड़े खुश नज़र आ रहे हो? आज दिवाली है और मैंने चाचा चौधरी को छकाने का एक प्लान सोचा है। क्यों मुसीबत को दावत दे रहे हो? नहीं, मैंने जो सोच लिया है वो करके ही रहूँगा। मैं चाचा चौधरी को मिठाई खाने की दावत दूंगा, जब वो मिठाई खा रहा होगा तो उसकी कुर्सी के नीचे ये एटम बम चला दूंगा, वो औंधे मुंह नीचे आ गिरेगा। लो, वो इधर आ रहा है, तुम दूर खड़े होकर तमाशा देखो। चाचा जी, आज दिवाली है, कृपया मेरी यहाँ थोड़ी मिठाई खाते जाइए। आपके लिए कुर्सी मैंने पहले ही खुली हवा में डाल रखी है, तशरीफ रखिए। वाह, मिठाई बढ़िया है, देसी घी की लगती है, आप खाते जाइए। ओह, माचिस लाना तो मैं भूल ही गया, अभी जाकर रसोई से लाता हूँ। ओह, कमबख्त, माचिस कहाँ खो गई, ज़रूरत के वक्त कोई चीज़ नहीं मिलती। वो रही। और जैसे ही वो पतीले माचिस लेकर आता है, वैसे ही माचिस से उस बम में आग लगाता है। ओह, सारी माचिस खाली हो गई, लेकिन पटाखे में आग ही नहीं लग रही। पलीते, क्या हुआ? बम नहीं चल रहा। जब तुम अंदर माचिस लेने गए थे तो पीछे से मैंने उस बाल्टी में रखे पानी में इस पटाखे को भिंगो कर ज्यों का त्यों कुर्सी के नीचे रख दिया था। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। पलीते, देखो पटाखा कैसे चलता है, अब आया मेरा एटम बम, बड़ा दिवाली मुबारक। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है एटम बम की सेंचुरी। मिस्टर एटम बम, तुम 99 आदमियों को मार चुके हो, क्या एक और को नहीं खत्म कर सकते?
मैं सेंचुरी पूरी करने को उतावला हूँ। खूब, एटम बम, हमारा जितना भी स्मगलिंग का माल आता है, एक आदमी उसे पकड़वा देता है। तुम इस कांटे को हमारे रास्ते से निकाल दो। उसका नाम चाचा चौधरी। बस समझो, आपका काम हो गया मिस्टर लपट। ये लो 50,000। बाकी काम होने के बाद मिस्टर लपट, मेरे हाथों से मरने वाले 100 आदमी की शक्ल दिखा दो। चलो उधर। हाँ दीपक, अब लोहा का गोला फेंकने की तुम्हारी बारी है। ओह, कोई ज़्यादा दूर नहीं गया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि गोला कैसे फेंका जाता है। एटम बम, वो रहा चाचा चौधरी, लेकिन वो लोहे का गोला कहीं तुम्हें ना दे मारे। मैं वो गोला पहले अपने कब्जे में करता हूँ। ए, ये गोला इधर दो। अब तुम कैसे मरना पसंद करोगे, जल्दी बताओ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इस गोले को ऊपर आसमान में फेंको, जैसे वो ज़मीन पर गिरे गोली चला दो। खूब, तुम्हारी हिम्मत की बा गुड, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लो, और जैसे ही वो गोला ऊपर से नीचे आता है, उसी के सिर पर धड़ाक से लग जाता है। इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है घोंचू और पोंचू। ये मेरे नसीब ही खोटे थे जो मैं ऐसे आदमी के पल्ले पड़ी जिसको ना अपनी बीवी की फिक्र है ना घर की। जिंदगी रोटियां सेकती और घर को झाड़ते पोसते निकल गई। ना कोई एंटरटेनमेंट है, ना कहीं आना जाना, घर में रेडियो या टीवी तक नहीं। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। भगवान नाराज ना हो, मैं तुम्हें आज सर्कस दिखाने ले जाऊंगा। सच, तुम कितने अच्छे हो। साबू, रॉकेट, आओ, आज हम सब सर्कस देखने जाएंगे। वाह, घोंचू और पोंचू। घोंचू, चाचा चौधरी परिवार को मैंने बाहर जाते देखा है और मकान के पीछे की खिड़की खुली छोड़ गए हैं। पोंचू, अंदर आ जाओ, जरूर कुछ खाने पीने को मिलेगा। वाह, गर्मा गर्म चाय का पलीता भरा हुआ है। वाह, गर्मा गर्म चाय का पतीला भरा है। लगता है जल्दी के चक्कर में चाचा चौधरी इसे यूं ही छोड़ गया। अरे, तो इस चाय को हम पी लेते हैं, खालिस दूध की बनी है, इलायची भी डली है। पहुंचू, मैं तो 4 कप चाय पी गया, मजा आ गया। और दे, फिर ऐसी तरावट वाली चाय नहीं मिलेगी भाई। तभी, अरे चाचा चौधरी, तुम लौट आए, तुम्हारी चाय पीछे से हम पी गए। लोग कहते हैं कि चाचा चौधरी को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आज हमने बना दिया। जो चाय तुमने अपने लिए बनाई थी हम पी गए। घोंचू पोंचू, ये चाय तुम्हें नहीं पीनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इस चाय में छिपकली गिर गई थी और हमने इसे फेंकने के लिए रखा हुआ था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हंसी और पिटाई। चाचा जी, आप चुपचाप चले जा रहे हैं, कुछ बोलिए, कोई बात हो तो बोलूं। साबू, कोई तुम्हें जुपिटर का किस्सा सुनाओ। साबू जुपिटर का वासी है। चाचा जी, मुझे तो कोई किस्सा याद नहीं आ रहा, आप कोई लतीफा ही सुना दीजिए। अच्छा तो सुनो, एक आदमी का बेटा बीमार पड़ा, उस आदमी ने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हारा मोहल्ला दूर है और आधी रात है, तुम्हें अपने घर के कोई नुकसान तुम्हें अपने मुझे अपने घर की कोई निशानी बता दो, ताकि रात को किसी को जगाकर तुम्हारे घर का पता ना पूछना पड़े। आदमी ने जवाब दिया कि मैं अपने घर के आगे लालटेन जला कर रखूँगा। डॉक्टर उस मोहल्ले में आया और कई चक्कर लगाने पर भी उसे कोई ऐसा घर ना मिला जिसके आगे लालटेन जली जली रखी हो। डॉक्टर निराश होकर अपनी डिस्पेंसरी लौट आया, उस आदमी को फ़ोन किया और बताया कि उसे उस मोहल्ले में ऐसा कोई मकान नहीं दिखा जिसके दरवाजे पर लालटेन रखी हो। उस आदमी ने जवाब दिया कि उसने लालटेन जलाकर दरवाजे के बाहर रखी थी, पर थोड़ी देर बाद ही उसका बेटा अपने आप ठीक हो गया और उसने वो लालटेन उठाकर अंदर कर दी। हंसना मना है, क्या ये बोर्ड दिखाई नहीं देता? अरे भाई, हंसना तो तंदुरुस्ती के लिए सबसे अच्छा विटामिन है। नहीं, मुझे हंसना पसंद नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी। लड़ने के लिए कमर कस लो। भाई, मुझे तो हिंसा में विश्वास नहीं, जब तक कि बहुत ही ज़रूरी नहीं हो जाता मैं लड़ता नहीं। गांधी जी भी अहिंसा के प्रचारक थे। तुम मुझे इन फालतू के उपदेशों से विचलित नहीं कर सकते, तुम्हारी पिटाई होगी। अरे भाई, अगर तुम्हें पीटने का ही मन है
तो भी उसे पीटो जो हंसा था। कौन है वो रहा। और उसे देखते ही वो सरपट भाग जाता है। तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है किलो सावा किलो। लक्ष्मी देवी, क्या तुम्हारा बेटा स्कूल से घर नहीं आया? नहीं, तुम कौन? मैं झूला डाकू बोल रहा हूँ। तुम्हारा बेटा विक्की हमारे कब्जे में है। मैं जो जगह बताता हूँ वहाँ 25 लाख रुपया लेकर आ जाओ, वरना नहीं, ऐसा मत करना। मुझे अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। चाचा चौधरी, मेरे बेटे विक्की को बचा लो, डाकू झूला उसे मार देगा। तुम्हारे बेटे विक्की का नाखून भी कम नहीं होगा। जाओ घर पर अपने बेटे के लिए खाना बनाकर तैयार रखो। लक्ष्मी देवी ने जो वर्णन किया था वो जगह उधर होनी चाहिए। बैग पिछली सीट पर सुरक्षित है, उसे यहाँ होना चाहिए। झूला, लड़के को छोड़ दो, पहले 25 लाख रुपया दो। पैसा इस बैग में है, मैंने तुम्हें ये दे दिया है, तो क्या गारंटी है कि तुम बिक्की को आज़ाद करोगे? तुम उधर से नोटों भरा बैग मेरी तरफ धकेलो, मैं इधर से लड़के को रिहा करता हूँ। मंजूर है, मैं दौलतमंद हो गया। तभी थम बड़म, उस बैग में RDX था। बिक्की, आओ चलें, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रखा होगा। डाको कोम्बा, मेरा भाई जुला को किसने मारा? चाचा चौधरी ने चीफ बदला। चीफ कोम्बा, चाचा चौधरी को गोलियों से भूनने की पहले सारी कोशिशें नाकाम रही हैं, फिर उसे धोखे से मारना होगा। मैं दुश्मन को पहाड़ के नीचे लाऊंगा, तुम ऊपर से पत्थर धकेल देना, दुश्मन दबकर मर जाएगा। आओ चला जाए, जंग में धोखाधड़ी और घात लगाकर मारना सब जायज है। चाचा चौधरी, क्यों क्यों ना तुम्हारा एक फोटो लिया जाए शौक से? ये साइट अच्छी नहीं है, उस पहाड़ के पास दृश्य अच्छा रहेगा। स्माइल। और तभी ऊपर खड़े पहले से चट्टान को लुढ़का दिया उन दोनों डाकुओं ने। यही मौका है, कहाँ चल दिए, मैं दूर से शॉट लूंगा। और तभी साबु सतर्क रहता है। ओह पत्थर, हुब्बा, मैं इसे थामने में कामयाब हुआ, वो बच गया, अब हमारी बारी है। और साबू एक बड़ा सा पत्थर उठाकर ऊपर खड़े डाकू को मारता है। धड़ाक, आई, धन्यवाद साबू। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है माफिया एजेंट मिस्टर किलर। डाकू गोबर सिंह, अरे धमाका सिंह, ये किस कबूतर को पकड़ लाया? सरदार, ये अमेरिकी माफिया एजेंट मिस्टर किलर है। किसी करोड़पति बैंक के चेयरमैन या पुलिस चीफ को ठिकाने लगाने का काम ये मिनटों में कर देते हैं। मिस्टर किलर, हमें साबू को ठिकाने लगाना है, तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ मिस्टर गोबर, दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक जहर साइनाइड होता है, जुबान पर रखते ही आदमी परलोक पहुंच जाता है। ये साइनाइड का गोला साबू के आकार के हिसाब से गोली हम साथ लेकर आया है, पर सवाल यह है कि साबू इतने खतरनाक जहर की गोली को खाएगा कैसे? उसको बोलो यह हाजमे की गोली है। ये बात ठीक है, मैं साबू को लाता हूँ, पहले उसे भरपेट खाना खिलाएंगे, उसके बाद उसे हाजमे की गोली की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। साबू, चलो आज मेरे यहाँ तुम्हारी दावत है। सच? आओ अंदर आओ। वाह क्या बढ़िया खाना है, देसी घी का लगता है, बादाम वाली खीर का तो कहना ही क्या। साबू, तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया है, लो अब यह हाजमे की गोली खा लो। सचमुच तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। साबू ठहरो, ये कहाँ से आ टपका? चौधरी, साबू बहुत खा गया है, उसे हाजमे की गोली दिया है, खाओ साबू खाओ। साबू, वो हाजमे की गोली इधर लाओ। साबू, अभी 200 किलोमीटर की दौड़ लगाएगा तो खाना अपने आप हजम हो जाएगा। अलबत्ता गोबर सिंह, तुमको अक्सर बदहजमी रहती है, यह हाजमे की गोली तुम ही खाओ। आओ साबू, चलो चाची तुम्हें याद कर रही है। मैं बर्बाद हो गया, 2000 कर्ज लेकर साबू के खाने का इंतजाम किया था। मेरे पैसे बेकार गए। गोबर सिंह, रो मत, उस लंबो को मारने का हमारे पास एक दूसरा प्लान है। यहाँ पर हमने एक अंडरग्राउंड बारूदी सुरंग बनाया है, उस बारूदी सुरंग पर हमने साबू के पुतले को खड़ा कर दिया है। उस बारूदी सुरंग का अंडरग्राउंड तार उस हैंडल से जुड़ा हुआ है।
अब हम इस हैंडल को दबाता है, बड़ाम। वैसा ही एक दूसरा बारूदी सुरंग इस जगह पर है। अगर हम सचमुच के साबो को फुसला कर ले आएं और यहाँ खड़ा कर दें तो उसे भी उड़ाया जा सकता है। वाह मिस्टर किलर, बारूदी सुरंग की जगह को हम भूल ना जाए इसलिए मैं निशानी के तौर पर अपनी बंदूक रख देता हूँ। आओ अब साबू को लाएं। चाचा चौधरी का उधर से गुजरता हुआ, रॉकेट जाओ मेरी छड़ी उठा लाओ। अरे तुम तो किसी की बंदूक उठा लाए, फेंको इसे दूर। शाबाश, आओ चलें उधर, आओ साबू, तू तो लोगों के काम करता है, जरा हमारा भी एक काम कर दे आज। साबू जाओ, वो मेरी बंदूक पड़ी है उसे उठा कर लाओ, बस इतना सा काम। अभी लो, मैं जाऊं बारूदी सुरंग के हैंडल के पास, बस यही मौका है। और उस पंप को दबाते ही बड़ा, मिस्टर किलर इससे पहले कि तुम मेरे हाथ से मारे जाओ यहाँ से भाग जाओ। ये सब किलर की वजह से हुआ, बर्बाद हो गया। साबू को मारने के हमारे दोनों षड्यंत्र विफल रहे। सरदार धीरज रखो, गोबर सिंह, किलर तेरी वजह से मुझे जलील होना पड़ा, मैं तुझे गोली मार दूंगा। गोबर सिंह, साबू को मारने का हमारे पास एक तीसरा जबरदस्त प्लान है जो कभी फेल नहीं हुआ। कौन सा? वो देखो, डीजल से चलने वाला फौलादी मुक्का। गोबर सिंह देखो, ये पत्थर का खंभा है। और बटन दबाते ही कड़ाक। वाह मिस्टर किलर, सचमुच तुम्हारा जवाब नहीं। अब आओ साबू को ढूंढे और फौलादी मुक्के से उसका काम तमाम कर दें। लो वो आ गया, साबू मरने के लिए तैयार हो जा, हमारा फौलादी मुक्का आया। किलर ने बटन दबाया। ओह ये सचमुच बड़ा मजबूत है, अगर ये मुझसे छूट गया तो ये मेरा जबड़ा ही उड़ा देगा। साबू ने अपनी पूरी ताकत लगाई, मैं उसे पीछे धकेलने में कामयाब हो रहा हूँ। सत्यानाश, साबू ने हमारे फौलादी मुक्के को भी तोड़ मरोड़ दिया। अब जान बचानी है तो भागो, अब तुम नहीं भाग सकते, मैं तुम्हें ऐसी जगह फेंकूंगा जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है। कहाँ? किसी 5-स्टार होटल के लॉन में, अभी पता चल जाएगा। और साबू उन दोनों को उठाकर फेंक देता है और वो सीधा कूड़ेदान में आकर गिरते हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का कुल्ला। वाह चाचा जी, आज क्या कोई त्यौहार है जो खाने में इतनी सारी चीज़ें बनाई है? ये बादाम का हलवा, शाही खीर, पनीर कोफ्ते और इतनी पूड़ियाँ। आज इतवार है ना, छुट्टी का दिन, इसलिए एक दो तेरी पसंद की चीज़ें बनाई है। और हाँ याद रखना, खाना खाकर कुल्ला करना, इससे मुंह साफ हो जाता है। पर चाची इसकी क्या ज़रूरत है, मैं कुछ नहीं जानती, कुल्ला ना किया तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। अरे साबू क्यों बहस करता है, तेरी चाची ने जो कानून बनाए हैं उन्हें राष्ट्रपति भी नहीं तोड़ सकता। मैं और तू किस खेत की मूली है, गनीमत इसी में है कि हम नदी पर जाएं और कुल्ला करके घर वापस आएं। डांकू गोबर सिंह, लो मसाल पकड़ो। धमाका सिंह, क्या कोई जुलूस निकालना है? नहीं, वो देखो चाचा चौधरी और साबू जा रहे हैं, जहां कहीं वे रुकें मसाले उन पर दे मारो, दोनों जलकर ढेर हो जाएंगे। वाह साबू, मैंने तो कुल्ला कर दिया, अब तेरी बारी है, यही मौका है, जला दो इन दोनों को। और साबू साबू का कुल्ला सीधे उन दोनों को अपने में समेट लेता है। ओह चाची ने ठीक ही कहा था, कुल्ले से मुंह बिल्कुल साफ हो गया है। चाचा जी आओ घर चलें। तो इसी के साथ चाचा चौधरी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है उधारू राम की कहानी। चाचा जी कोई कहानी सुनाइए। कैसी कहानी साबू? कोई आप बीती पर जिसमें आप सक्रिय रोल ना हो, जरा मुझे सोचने दो। हाँ याद आई एक घटना, एक था उधारू राम, वैसे उसका नाम था धानी राम, पर वो लोगों से इतना उधार मांगता था कि उसका नाम ही उधारू राम पड़ गया। वो उधार लेकर लौटाता नहीं था, सो लोगों ने इसे पैसे देना बंद कर दिया। तब उधारू राम ने उधार देने की एक दूसरी तरकीब निकाली। ये क्या कर रहे हो जी, भेष बदल रहा हूँ, चाचा चौधरी की साख अच्छी है, यदि मैं चाचा चौधरी बनकर उधार मांगू तो हर कोई दे देगा। देखना मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। उधर एक रुकन था, उसने कुछ और ही योजना बना रखी थी। रुकन, क्या ये खाना मेरे लिए लगाया है? ना ना ना, इसे मत खाना, इस खाने में जमाल गोटा मिलाया है, ये मैंने चाचा चौधरी को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया है।
वो ये खाना खाएगा और उसे दस्त लग जाएंगे, मजा आ जाएगा। तुम यही ठहरो, मैं चाचा चौधरी को अभी लेकर आता हूँ। अरे रुक्कन, आज 10 रुपए की जरूरत पड़ गई है। चाचा जी 10 रुपए भी मिलेंगे और साथ में लजीज खाना भी मिलेगा। ये लीजिए 10 रुपए और चलिए मेरे साथ, आज आपका खाना मेरे यहाँ है। वाह क्या मज़ेदार खाना है, लेकिन इसमें जमाल घोटा मिला है। हैं? हाँ, मैंने आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये षड्यंत्र रचा था, लेकिन मैं चाचा चौधरी नहीं हूँ, उधारू राम हूँ। इससे पहले कि मेरे पेट खराब हो, मुझे घर पहुँचना चाहिए। 10 रुपये, मेरे 10 रुपये। इसी के साथ चाचा चौधरी की ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।